अंधला शामली। शामली में मनीष चौहान की स्वाभिमान महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब। जिला पंचायत अध्यक्षता की कुर्सी से उठी सियासी जग ने जिले की भाजपा की अंदरूनी कलह को जग जाहिर करने का काम किया है। वहीं पिछले करीब डेढ़ महीने से शामली जिला पंचायत अध्यक्षा मधु गुर्जर खेमा और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान के बीच सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। इसी को लेकर आज मंगलवार को कांधला के डुंडूखेड़ा के इंटर कॉलेज में मनीष चौहान ने स्वाभिमान पंचायत का आयोजन किया है। इस पंचायत में जिले के अलावा भी दूर दराज बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मवाना, हस्तनापुर आदि स्थानों से हजारों संख्या में मनीष चौहान के समर्थक गण पहुंचे। इस महापंचायत ने जिले में मनीष चौहान का कद भी तय करने का काम किया है, जो आगे चलकर राजनीतिक क्षेत्र में मनीष चौहान की दिशा और दशा तय करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मृगांका चौधरी ने की। मनीष चौहान ने कहा कि लड़ाई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की नहीं है, लड़ाई केवल मान सम्मान की है। उन्होंने कहा कि अपमान मेरा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ बैठे जिला पंचायत के सभी 12 सदस्यों का हुआ है, पूरे समाज का हुआ है। शामली जिला पंचायत अध्यक्ष मधु को लेकर पिछले डेढ़ महीने से जो षड्यंत्र का खेल विपक्षी दलों द्वारा रचा जा रहा है, वह गलत है। मधु तो बेचारी सीधी सादी है और यहाँ बैठे जिला पंचायत के सभी 12 सदस्य और समाज के सभी बुद्धिजीवी जो तय करेंगे वही मुझे मान्य होगा। इस मौके पर जिला पंचायत के कई सदस्यों ने अपने अपने विचारों से मनीष चौहान का साथ देने की बात कही। इस पूरी महापंचायत का संचालन कांधला के प्रमुख विनोद मलिक ने किया। मनीष चौहान के पिता एवं विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने सभी का धन्यवाद दिया और मृगांका सिंह ने भी इसी पूरे घटनाक्रम को विपक्ष का षड्यंत्र बताते हुए मनीष चौहान की तारीफ की। इससे पूर्व मंचासीन MLC वीरेंद्र सिंह, अध्यक्षता कर रही मृगांका सिंह, जिला पंचायत सदस्यगण ठाकुर करण सिंह, राकेश कुमार, अरुण सिंह, अनिल कश्यप, गयूर प्रमुख अंजिम पठान और रंधावा मलिक आदि का पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। शामली से सलेख चंद वर्मा की रिपोर्ट। लेकिन बस हमारा मान सम्मान में समझौता मत करिए। पैसे की कोई लड़ाई नहीं है, राजनीति में पैसे की कोई कीमत नहीं होती। अगर कीमत है तो वो मान सम्मान है और वजूद की लड़ाई लड़कर उस वजूद को जीतना है। मैं बहुत बधाई कहते हुए, दर्द बहुत है, मैं आपसे कहता हूँ इस एक महीने में जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं आप लोगों की आवाज़ मजबूती से उठाता हूँ। अरे विधायक नहीं हूँ, सांसद नहीं हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी की स्थिति मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपने नेता नेतृत्व को छोड़ कर, क्योंकि इकरा हसन यहाँ पर गांव का गांव घूमी थी, उन्होंने यहाँ पर वोट डालने का काम किया था और जावेद जब मधु के सामने चुनाव लड़ रहा था तो मैं दिल से आभारी हूँ इन लोगों का, इन्होंने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मधु को जिला पंचायत भवन में खेलने का काम किया। आज मैं शर्मिंदा हूँ, आज मैं चंदन चौहान को जिला मुजफ्फरनगर की राजनीति 84 के बाद मैं बता देना चाह रहा हूँ, इन लोगों को दिक्कत और परेशानी सिर्फ इस बात से है कि ये बिना सांसद और बिना विधायक बने सहारनपुर तक के लोगों की, मुजफ्फरनगर तक के लोगों की, बागपत तक के लोग आते हैं, उनके काम कैसे कर लेता है, किस तरीके से अधिकारियों पर दबाव बनाकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। मैं इनसे कहता हूँ कि भाई ये समाज या मेरे बड़े बुजुर्ग, ये मेरा रास्ता 50 बार रोक दे, लेकिन ऐसे कमजोर नेताओं से, ऐसे चालाकी करने वाले और घिनौनी हरकतें करने वालों से उनके कब्जे में मैं नहीं आने वाला। आप लोगों का, उन लोगों का जो बाहर से सुनकर और यहाँ आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय बहुत हो गया, गर्मी में आप लोग जितनी बड़ी संख्या में आए और जिस तरह आप समय दे रहे हैं, मैं समझता हूँ यदि इस तरह के समर्थक और इस तरह के लोग साथ होते हैं तो कोई चिंता नहीं रह जाती बच्चों की। आज ही मैं चौहान जी एक नाम से कहूँगा
आने वाले समय में भी अगर कोई किसी का विश्वास करेगा तो आप किसी का विश्वास ना करो। ये विश्वास बात है, आप ऐसा ना करना चाहेगा। बाकी मेरे बड़े भाई ऐसा कर रहे हैं, करण सिंह जी, अनिल कश्यप जी, राकेश वेम्बल जी, अजय पठान जी, सभी मंच पर स्थान ग्रहण करें और हमारी सर समाज के प्रतिनिधिगण चौधरी पहल सिंह आज भी कल को सुरक्षित आप लोग भी दे रहे हैं, कल को बेइज्जती आप लोगों की भी होगी। और मैं उन नेताओं को एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, सोच समझ के पंगा लिया करो, पड़ोसन के कूड़े हैं लेने के देने, प्याज सुधा वापस पहुंचाओ। मनीष चौहान आप सभी को धन्यवाद करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आप व्यवस्था बनाए रखेंगे, अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे अजय सिंह कपासिया जी हैं, वो जिन्होंने भरोसा किया था आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी पे, मनीष चौहान पे, आपकी 12 पे, आपकी 84। आज मैं उनको क्या जवाब दूं, किसी पक्ष में ये पंचायत बुलाई गई है, निर्णय आपको लेना है। अगर मैं गलत हूं, अगर मेरा तरीका गलत है तो मुझे आप इस पंचायत में सीधा सीधा बता दें। उसको बरगला कर बहला पूछना कर उसको क्या पता राजनीति क्या है, लेकिन मेरी आप लोगों से अपील, ये परिवार की समस्या है, इसे परिवार में बैठ के सुलटाने का काम है। जिला पंचायत की मैं गारंटी आपको देता हूं, जिला पंचायत अगर चलेगी तो ये 12 सदस्य जो मंच पर खड़े हैं, ये सभी आदरणीय बुआ जी और आदरणीय एमएलसी साहब वीरेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से चलेगी, अन्यथा ये जिला पंचायत का प्रण हम 12 लोग ले चुके हैं, ये जिला पंचायत नहीं चले।